मैंने पहले ही कहा है, कई बार मैं कह चुका हूं, अगर अवैध पाया जाएगा तो टूटेगा तो टूटेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये तो एक सब जूडिस मसला है। मैंने पहले ही कहा है, कई बार मैं कह चुका हूं, अगर अवैध पाया जाएगा तो टूटेगा तो टूटेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर हम एक जो है कौशी जुडिशल बॉडी को आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप इसको इसका फैसला अभी सुनाएं। उसमें कितनी सुनवाई होनी है, कितना उसमें रिकॉर्ड आना है, कितना उसमें ये चीज़ आनी है, वो तय करेंगे। आई कैन नॉट डायरेक्ट दी लर्नेड कमिश्नर कि आप इसको समय के ऊपर पूरा करें। ये ज़रूर है कि हम इसको एक्सपेडाइट करवा सकते हैं, मगर फैसला क्या आएगा वो तो मेरिट के हिसाब से आएगा। अगर डिविएशन पाई जाएगी तो निश्चित तौर से फैसला उनके खिलाफ आएगा, और फैसला खिलाफ आएगा तो कार्रवाई होगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर कानून का अपना प्रक्रिया है, कानून को अपने दायरे में रहकर काम करना है, सरकार को भी अपने दायरे में रहकर काम करना है। तो मेरा सभी संगठनों से ये निवेदन है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ कि हमको हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर अवैध भवनों का जो है वो उनको डिमोलिश किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। मगर हम बुलडोज़र तो नहीं चला सकते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो ये बुलडोज़र वाली एक पूरा जो है प्रथा देश के अंदर चली हुई थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मसला जो है वो स्टे कर दिया है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का था, वो चाहे मध्य प्रदेश का था, कुछ हरियाणा के मसले थे, कुछ जो है वो महाराष्ट्र के मसले थे, पूरे के तरीके से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है तो हम भी उसके ऊपर नहीं है। इसलिए हमको कानून के दायरे पर रहकर काम करना है। ये ज़रूर है कि हम इसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे, और अगर अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये मैं इतना ही कह सकता हूँ।